हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ पास्ता चिप्स। बहुत ही अच्छा है और बहुत इजी है इसको बनाना, तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने पास्ता लिया है, तो ये मैंने इसका पानी बॉईल कर लिया है पास्ता बॉईल करने के लिए। अब इसमें हम नमक डाल देंगे थोड़ा और ऑयल डाल देंगे थोड़ा, एक टेबल स्पून। ऑयल डालने के बाद में पास्ता डाल दें। पास्ता में लगभग 15 मिनट लगे हैं बॉईल होने में। तो हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है, तो अब इसको छान के एक बाउल में ले लें। फिर उसमें चिली फ्लेक्स लिटिल बिट और ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार और रेड चिली पाउडर लिटिल अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो, और स्वीट पपरिका। जो आपके पास स्पाइसेस अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। और एक टेबल स्पून ऑयल, ऑलिव ऑयल आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लें इसको एकदम बढ़िया तरीके से। और आप चाहें इसको तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, फिर बाद में आप स्पाइसेस डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको एयर फ्रायर मशीन में फ्राई करूँगा, तो उसके लिए ऑयल कम चाहिए, थोड़ा ही ऑयल चाहिए। थोड़ी सी परमेसन चीज़ डाला है मैंने, परमेसन चीज़, इससे अच्छा टेस्ट आएगा पास्ता चिप्स का और हमारा पास्ता वो क्रिस्पी भी हो जाएगा अच्छा। तो इसको आप ओवन में 10 मिनट तक पकाइए, फ्राई करिए। तो मैं इसको अब इस 10 मिनट के लिए फ्राई करूँगा इसमें 200 डिग्री पे, 200 डिग्री टेम्परेचर, ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद में हमारे जो चिप्स हैं वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगी बढ़िया। ये देखिए इसका टेम्परेचर 200 है, 200 डिग्रीज, और ये फ्राई हो चुकी है। ये देखो, ये देखिए बहुत ही अच्छी क्रिस्पी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।